गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं हूँ नेमा नज़र और मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते। तो गाइस, मैं आपसे बताने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मेरी वीडियो पूरी देखना, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लौकी से। हमने लिया है लौकी, लौकी लिया है हमने 1.5 किलो और हम इसे छील कर बिल्कुल अच्छे से इसे साफ़ कर लेते हैं। देखिए, हम इसे ऐसे छील लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, मैंने ये लौकी सारा छील लिया है और इसे हम साइड में करते हैं और एक बड़ी प्लेट लेंगे और एक लेंगे कद्दूकस। ये हमने इसमें रखा है और कद्दूकस रख के मैं इसमें ऐसे रख के इसे कसूंगी। ये हम पूरी लौकी कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये सब लौकी कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसमें से ऐसे हाथ पर रख के इसके लड्डू ऐसे बनाएंगे और इसका सारा पानी बाहर निकाल। देखिए, मैंने अच्छे से इसका पानी सारा निकाल लिया है। अब मैं इसी तरह सबका पानी निकाल लेती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें से कितना पानी निकला है और मैं ये पानी अलग डाल दूँगी। और देखिए, मैंने ये निचोड़ कर ऐसे बना लिया है, मैं इसे ऐसे करूँगी। तो देखिए, मैं इसे साइड में रखती हूँ और मैं अब यहाँ से 4 प्याज ली है मैंने और ये हरी मिर्च ली है और ये हरा धनिया लिया है और ये मैं बारीक करके काट लेती हूँ और ये चने का दाना है 50 ग्राम। मैंने एक लहसुन लिया मीडियम साइज़ का, ये अदरक लिया है और मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/4 चम्मच मेथी दाना लिया है। ये मैं पीस कर बारीक कर लेती हूँ और ये हमें काटना है सब बारीक करके चाकू से। तो चलिए, मैं सबसे पहले काट लेती हूँ ये सामान। तो देखिए गाइस, हमने ये सब चीज़ काट ली है बारीक पीस में और ये हमने जो मसाला पीसने वाला था वो भी हमने सब पीस लिया है। अब चलिए हम बताते हैं आपको हमें क्या करना है। तो देखिए गाइस, हमने ले लिया है ये कद्दूकस करा हुआ अपना लौकी और मैं इसमें डालूँगी ये मसाला पिसा हुआ, सब डाल दूँगी इसके अंदर और ये जितना मसाला मैंने काट के रखा है ये भी सब मैं इसमें ही डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक अपने स्वाद अनुसार। मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसा अपना स्वाद लगे ऐसा। मैंने लिया है बेसन, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। बेसन को गाइस अच्छे से छन्नी में छान लेना है और मैं इसे ऐसे मिक्स करूँगी सबको ऐसे। हमें ज़्यादा बेसन नहीं लेना है, हमें थोड़ा ही बेसन है लेना है। हमने बेसन लिया है करीबन 150 ग्राम। इसमें ज़्यादा बेसन लेंगे तो हमें ये हमारे कोफ्ते कच्चे रह सकते हैं, ज़्यादा बेसन इसमें नहीं चलता है। इसमें सारे को अच्छे से इसी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इसमें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप थोड़ा मीट मसाला और गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जिसे हम नॉन मिर्च भी कहते हैं। देखिए भाई, मैं तो ज़रूर डालूँगी गरम मसाला और मीट मसाला, क्योंकि हमारा तो काम नहीं चलता, हमें गरम मसाला और मीट मसाले बिना अच्छा खाना नहीं लगता। देखिए, हम ये डाल रहे हैं इसमें और मैं डालूँगी इसमें यह गरम मसाला और अब डाल रही हूँ मैं इसमें मीट मसाला 1/4 चम्मच दोनों में डाल लेना है और मैं इसे भी अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूँगी।
अब देखिए मैंने इसे सारे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें इतना टेस्ट आ रहा है कि आप चाहे कच्चा भी इसे खा जाओगे। देखिए और इसमें से बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह कोफ्ते बनाऊंगी, जिन्हें हम लड्डू भी कह सकते हैं। देखिए ये देखिए मैंने इस तरह ये बना लिए हैं और मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ। इस तरह ही मुझे सारे लड्डू को बना लेना होगा। मैंने सारों को इसी तरह बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने सबके कोफ्ते बांध लिए हैं। अब चलिए हम इन्हें तलने के लिए चलते हैं। अब देखिए हमने लिए फैन लिया है हमने, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ तेल। देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है और इसे होने देंगे हम गरम। तेल डाला है मैंने इसमें करीबन 500-600 ग्राम के करीब। तो चलिए देखते हैं, लगता है हमारा तेल गरम अच्छे से हो चुका है, लेकिन हम इसे चेक करने के लिए हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें ज़ीरा डालकर देखती हूँ। देखिए कितना अच्छे से ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके ये अपना कोफ्ता, जो हमने कोफ्ता बनाया है एक एक करके डालते हैं। इसमें 5 कोफ्ता डाला है और इसे अच्छे से हम एक साइड से होने देते हैं। देखिए गाइस ये कोफ्ता अच्छे से हो गया एक साइड से, इसे हम ऐसे पलट देते हैं। देखिए हमने इधर से भी इसे पलट दिया है और अब इधर से भी हम होने देंगे। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं जलाना है, यानी कि हमें ज़्यादा हाई गैस पर नहीं तलने हैं, हमें थोड़ा मीडियम गैस को मीडियम कर लेना है, थोड़ा स्लो, और तब इसे तलना है। क्योंकि अगर एकदम सारा ऐसा होगा तो ये अंदर से कच्चा रह सकता है। देखिए ये अच्छे से हो गया है और मैं इन्हें सारों को इसी तरह बनाकर निकाल लूँगी एक प्लेट में। देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, मैं दूसरा भी खाने से उतार लेती हूँ और मैं इसी तरह सारे कोफ्ते अपने अच्छे से बना लेती हूँ, यानी कि तल लेती हूँ तेल। और देखिए गाइस जैसे हम इसे इधर से पलटेंगे ऐसे, इसे हमें ऐसे दबा देना है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जिससे कि ये अंदर तक इसका ये तेल अंदर तक पहुँच जाए और ये कच्चा ना रह सके। इस तरह हमें ये सब ऐसे हल्के से हाथ से दबाना है इस तरह। ये हमारी लास्ट रह गए हैं, हमने सब उतार लिए, बस यही बचे हैं, ये भी अब हो जाएंगे। तो देखिए गाइस मैंने सब अपने कोफ्ते तेल में तल कर उतार लिए हैं और मैं चलती हूँ अब इसकी सब्जी बनाने के लिए, वो भी मैं आपसे दिखाती हूँ। लेकिन आप चाहे इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइस। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको सब्ज़ी में क्या क्या चीज़ डालना चाहिए। और देखिए मैंने लिया है ये चने के दाने जो बाज़ार से मिलते हैं भुने हुए, ये छोटा एक 25-30 ग्राम का टुकड़ा है, पीस है मतलब, ये है गोला। और मैंने 3 छोटे बड़े लिए हैं टमाटर, 2 लहसुन लिए हैं और एक ही अदरक का पीस लिया है। और मैंने लिया है 6 प्याज जो मीडियम साइज़ की है, और मेरे पास खसखस नहीं है तो इसीलिए मैं डालूँगी खसखस की जगह ये मखाना। और इसे मैंने पहले ही भिगो के रखा था, करीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं इसे भीगे हुए। अब मैं इन्हें सबको एक जगह पीस कर लाती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने लिया है ये भगोना और जो तेल मैंने जिस तेल में मैंने अपने कोफ्ते तले हैं वही तेल मैं इसमें डाल देती हूँ।
देखिए इस तरह। और गैस को हम कर देंगे ऑन और इसे फिर से हम गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता। और अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। देखिए मैंने आधी चम्मच गरम मसाला डाला है और ये गरम हो चुका है। मैं डाल दूँगी इसमें चौथाई प्याज मैंने काट के रखी है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च काट के रखा है। चला दूंगी चौथाई चम्मच में डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर और डेढ़ चम्मच डालूंगी मैं इसमें मिर्च पाउडर। देखिए एक और ये आधी है, डेढ़ हो गई। और इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर एक दो ये तीन साढ़े तीन, मैंने साढ़े तीन चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाली है। और मैं इस तरह इसे चला दूँगी और देखिए थोड़ा पक गया है। अब जो इसमें मैंने पीस कर रखा था अपना मसाला, वही मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए हम इसमें पानी नहीं डाला है, हमने मिक्सी में पीसा है। ये मिक्सी में पीसने की वजह से हमारे इसमें पहले से ही थोड़ा गीला होता है। देखिए मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और मैं इसमें नमक डालूंगी अपने स्वाद अनुसार। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ डेढ़ चम्मच और इसे चला देंगे और चलाकर इसे चलाते जाएंगे और इसे भून लेंगे हम अच्छे से। और गाइस इसे हमें ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे बार बार और इसे इस तरह चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए गाइस कैसे अच्छे से रंग दिया है इस सब्जी ने। और अब इसमें डाल देंगे हम आधी कटोरी दही, करीबन 100 ग्राम के करीब। और ये दही डालकर इसमें मैं चला दूँगी अच्छे से। देखिए ये मैंने चला दिया है और अपने मसाले को भगोने की तली में नहीं लगने देना है। चौथाई चम्मच मीट मसाला और एक चौथाई चम्मच इसमें गरम मसाला, ये हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। इसे चला देंगे और इसे करीबन 5-6 मिनट और इसे हम भुनने देंगे। देखिए गाइस हमारे ये 5 मिनट हो चुकी है और अब इसे देखते हैं हम, देखिए कितने अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे देखिए इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा मसाला है। ये हमने एक गिलास पानी डाल दिया है और इसमें अच्छे से एक बार थोड़ा खद्दा लगा लेंगे। देखिए इसमें अच्छे से खद्दा लग गया है। और अब हम इसमें अपना जो हमने कोफ्ता तल के उतारा था ये भी हम इसमें ही डाल दूंगी। और इसमें डालकर मैं करीबन इसे 5 मिनट पकाऊंगी, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे मैं 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ और ऊपर से इसे ढक देती हूँ। देखिए गाइस हमारी 5 मिनट हो चुकी है। तो देखिए कितना अच्छा खद्दा लगा है इसमें। मैंने ये ज़ीरा तवे पर डालकर भुना है, भून कर इसे पीस लिया, अभी मैं इसमें ही डाल दूंगी इस तरह। इससे जो है हमारे इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ता, देखिए मैंने काटा है, ये भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। और इसे एक बार से हम ऐसे चला देंगे और चलाकर हम गैस बंद कर देते हैं गैस और इसे उतार लेते हैं। तो देखिए गाइस हमारा कोफ्ता एकदम बनकर तैयार है। ये इतना टेस्टी बना है इसका कुछ जवाब नहीं है। जब आप खाओगे और इसका टेस्ट लोगे आपको खाने के बाद बस मज़ा ही आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, खाइए और मज़ा लीजिए, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और मैं कहना चाहती हूँ फिर से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलते हैं गाइस आज के लिए बस इतना ही और अब मिलेंगे कल और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।